गाजा में इजरायली हवाई हमले में 40 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि आंकड़े बढ़ भी सकते हैं और 65 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जो सुरक्षा एजेंसी है उन्होंने कुछ जानकारियां साझा की, उसमें यह बताया गया कि मंगलवार के दिन करीब इजरायल ने फिलिस्तीन क्षेत्र के दक्षिण में एक मानवीय क्षेत्र पर हमला किया। इजरायल की सेना का यह कहना है कि उसने इस क्षेत्र में हमास कमांड सेंटर को निशाना बनाया। इजरायली सेना ने ये हमला गाजा के खान यूनिस शहर के अल मवासी इलाके में किया। ये वो इलाका है जिसे इजरायल की सेना ने युद्ध शुरू होने पर सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। यहाँ पर हजारों की संख्या में फिलिस्तीनियों ने शरण भी ले रखी है। स्थानीय लोगों और डॉक्टरों ने कहा है कि खान यूनिस के पास अल मवासी में एक टेंट कैंप में 4 मिसाइलों से हमला किया गया। ये शिविर विस्थापित फिलिस्तीनियों से भरा हुआ है। गाजा नागरिक आपातकालीन सेवा के मुताबिक 20 टेंटों में आग लग गई है। इजरायली मिसाइलों ने 9 मीटर लगभग 30 फुट तक गहरे गड्ढे बना दिए हैं। 65 से भी ज्यादा महिलाएं और बच्चे घायल बताए जा रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है कि 9 दिनों तक हमास बेफिक्र था। फिलिस्तीन में गाजा के लोग भी राहत की सांस ले रहे थे। इसकी वजह 6,40,000 बच्चे हैं। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। दरअसल WHO ने हाल ही में ये बताया कि हमास और इजरायल ने गाजा में अल्पकालिक युद्ध विराम पर सहमति जताई है। दरअसल हमास और इजरायल के बीच पिछले 11 महीने से जंग चल रही है और इसके वजह से लाखों बच्चों का जो पोलियो टीकाकरण है वो नहीं हो पाया है। WHO ने सीनियर अधिकारी रिक से बातचीत की और बताया कि गुरुवार को दोनों पक्षों ने युद्ध विराम पर सहमति जताई है ताकि पहले चरण में 6,40,000 बच्चों का टीकाकरण संभव हो सके। उन्होंने ये भी बताया कि रविवार को बच्चों का टीकाकरण शुरू होगा। ये सुबह के 6 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चलेगा। साथ ही उन्होंने ये भी चिंता की बात बताई है कि बच्चों का टीकाकरण अब तक क्यों नहीं हो पाया। 3 दिन का समय हालांकि काफी नहीं होगा, इसके लिए उनको 1 या 2 दिन और बढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। रविवार से शुरू हो रहे पोलियो अभियान की शुरुआत सेंट्रल गाजा से होगी। यहां पर 3 दिनों तक युद्ध विराम रहेगा, फिर वहां से हमारी टीम दक्षिणी गाजा की ओर बढ़ेगी। यहां भी 3 दिनों तक का युद्ध विराम रहेगा। उसके बाद उत्तरी गाजा में भी पोलियो टीकाकरण अभियान चलेगा, वहां पर भी 3 दिन विराम लागू होगा। वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अगर उन क्षेत्रों में टीकाकरण 3 दिन में पूरा नहीं होता तो दोनों तरफ से 4th दिन भी युद्ध रोकने पर सहमति हुई है। ये अभियान लेकिन क्यों शुरू हुआ ये भी जान लीजिए। दरअसल 25 वर्षों में पहली बार 23 अगस्त को गाजा में एक बच्चे में Type 2 पोलियो वायरस जो है उसकी पुष्टि हुई थी, जिसके बाद से ही ये अभियान जारी कर दिया गया। तो ये बहुत जरूरी था कि पोलियो का अभियान जो है उसको चलाया जाए, पोलियो जो है बच्चों को दी जाए ताकि किसी भी तरह की कोई भी समस्याएं ना हो। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, 6,40,000 बच्चों को पोलियो देना था, इसीलिए युद्ध विराम की बात की गई। लेकिन इस युद्ध विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा अटैक माना जा रहा है इजरायल की तरफ से। 7 अक्टूबर 2023 को बता दें कि हमास के आतंकियों ने इजरायल पर बड़ा हमला किया था। इसमें 1200 इजरायली की मौत हो गई थी और 250 लोगों को बंधक बनाया गया था। इसके बाद इजरायल ने हमास के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। गाजा पर इजरायली हमले में अब तक 40,000 से भी ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये युद्ध है जब इजरायल की तरफ से अटैक किए गए और गाजा में कई लोगों की जान चली गई, मानो लाशें बिछ गई। इस तरह का अटैक किया गया इजरायल की तरफ से और गाजा में कई ऐसे फिलिस्तीनी भी रहते थे जो कि बहुत ही ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। कई ऐसे कैंप लगे हुए थे जिनमें बच्चे महिलाएं हैं और उन्हें भी बहुत ज्यादा नुकसान बताया गया। अब तक का ये युद्ध विराम के बाद एक बार फिर से बड़ा अटैक इजरायल की तरफ से गाजा पर माना जा रहा है।